पक्कियां फसलां दे उत्ते गड़े पै गए, विघन पै गया ना, जिंदगी थम गई, दुख आ गया जीवन च। हुण विघन दे नाम दे उत्ते दुनिया नूं मनुखता नूं बड़ा लुट्टिया जांदा। साडियां भोलियां मतावां, भोले वीर बजुर्ग पंडतां कोल जाणगे, कदे किते जाणगे, उह पुठे रस्तियां ते तुरे रहिंदे आ। गुरु कोल जाओ, गुरु नूं पुछो, महाराज सच्चे पातशाह साडी जिंदगी विघन रहित किवें होवे। असीं कोई काम करदे आ उहदे च रुकावट पै जांदी है, विघन पै जांदा। जे ते गुरु तुहानूं ना दसे तां ते तुसीं किते जांदे चंगे लगदे हो, ते जे 2 करोड़ रुपया ला के पिंड च गुरु साहिब नूं बिठाया है ते फिर गुरु नूं पुछो। जदों आपां गुरु नूं पुछांगे ना ते महाराज पता की जवाब देणगे? महाराज जी कहणगे, विघन बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। याद है पंक्ति? कित्थे याद है, होर ही बहुत कुछ याद है कि इस याद वास्ते अंदर विथ ही है नहीं, स्पेस ही है नहीं। इस करके ते कीर्तन करन वाले आउंदे ने, कीर्तन करके चले जांदे ने। असीं नहीं कुछ करना, जिहड़ी एक्शनलैसनैस है साडे अंदर, कर्महीनता है, कर्म नहीं हुंदा साडे तों। हुण नाम जपण तों वड्डा कर्म किहड़ा है? हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लेना। असीं तां इह सोची बैठे हाँ कि कीर्तन करना तो गरीब लोगों का काम है। साढ़े 10-15-20 किले ने, असं साडा मुंडा पाठी बनता कि चंगा लगता? 50 किलिया का मालक मैं, तो मेरा मुंडा रौल लाए, कि शर्म वाली गल है। यह है साडी बर्बादी का रस्ता। कीर्तन भगती है गुरमुखो, तो सारे ये भगती करन वास्ते आप दुनिया से आए हैं। साढ़े तो हुंदा नहीं है, नहीं तो इन्नी संगत बैठी होए ते अरदास कीती जा रही होए, कदे भुला ना तेरी याद प्रीतमा, ते ए याद ते अंबरां नूं चीर के प्रीतम दे देश तक जानी चाहीदी सी आवाज, इत्थी दब गई। क्योंकि शर्म आउंदी, संग आउंदी है, लाज आउंदी है, बाणी पढ़न लग्यां वी संकोच आउंदी है। महाराज जी कहिंदे, विघन बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भए सब पावन, जन नानक सुख घर आया। जे तेरी जिंदगी विच विघन पैण तां वी दवाई तेरे कोल नाम है, बंदगी है, गुरु दा शब्द है। हुण पंजवीं दात कीड़ी है? उहदे वल वैसे विरलियां दा ख्याल है, नहीं तो आपां नूं पता ही है कि मरण तो बाद रिश्तेदारां ने खंड पाठ करा के अरदास करा ही देनी है। ते भाई साहब ने कई देना, सच्चे पातशाह इहनूं अपने चरणां च निवास बख्शो, जिउंदे जी अपना फिक्र करो गुरमुखो। आ मत्था लै के, आ मूंह लै के रब दे देश च किवें जाणा है? किहड़ा मूंह लै के अपने प्यारे दी हजूरी च पेश होना है, यह फिक्र करो। जिन्हां दी बाणी नूं मत्था टेकदे उन्हां ने फिक्र कीता है। थर हर कंपै बाला दियो, ना जानो क्या करसी पियो, पता नहीं मेरे नाल की होएगा जदों मैं मालक दी हजूरी च जावांगा, क्योंकि मेरा मुख उजला नहीं, बंदगी नहीं मेरे तो हुई है। चिंता किसे नूं? सानू ते सिर्फ इस चिंता ने खा लिया कि सानू दुनिया की आखेगी, मेरे गुआंढी मेरे बारे की सोचणगे। जे मैं 10 लाख की ब्याह दे विच शराब ना वरताई तो मेरे रिश्तेदार की सोचणगे? इन्ना ही फिकरां ने सानू अंदरों खोखले करता। ते जिहड़ा दुनिया नूं मुख रख के जिउंदा ना, महाराज जी कहिंदे उह पशु बिरती दा मालक है। वचन बाणी विचों ने, करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करै दिन रात। जिहड़ा दिन रात यही सोचता है कि लोकी मेरे वास्ते की सोचते हैं, की नजरिया रखते हैं, उहदी बिरती पशुआं वाली है।
जिदे अंदर बंदे की बिरती है ना, वो ये सोचता कि मेरा मालक मैनू की आखेगा, मैं गुरु नू की मुंह दिखावांगा। लास्ट बेनती है, विरले बंदे ने जिन्हां दी ये इच्छा है कि मरण तो बाद असी मुक्त हो जाइए, उहदे विच समा जाइए, उहदे विच लीन हो जाइए, जिथों असी पैदा होए हाँ उहदा रूप बन जाइए, उहदे विच समा जाइए। तो जदों ये अरदास महाराज के चरणों में करांगे ना, तो महाराज जी कहणगे हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल कलाली। महाराज जी कहिंदे जिन्हां ने नाम जपया उन्हां नूं मुक्ति मंगण की लोड़ नहीं, वो तो जिउंदे जी परमात्मा वर्गे बन गए, जिउंदे जी उहदे विच समा गए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन हर जपया से हर होए, जिहड़े उहनूं जपदे ने ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੌਣ? ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਲਾਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।